चलिए आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, व्हिच इज बेसिकली एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अगर हम सेक्शन 3 को देखें तो इसमें कई सारे वर्ड्स के मीनिंग को बताने की कोशिश की गई है। जो तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या है जो सेक्शन 3 में आते हैं। पहला एक्शनेबल क्लेम, दूसरा नोटिस, और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्शनेबल क्लेम क्या है। ठीक है, अगर हम इसके जनरल मीनिंग को देखें तो हम ये कह सकते हैं एक्शनेबल क्लेम का मतलब है ऐसा क्लेम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ विच लीगल एक्शन कैन बी टेकन, उसे हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। बिकॉज एक्शनेबल क्लेम खुद कहता है क्लेम विच इज एबल टू टेक एक्शन इन इटसेल्फ थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स, वो होता है एक्शनेबल क्लेम। अब एक्शनेबल क्लेम को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना होगा। जैसे अगर हम डेब्ट के बारे में बात करें, जिसे आप उधार कहते हो या लोन कहते हो, कर्ज कहते हो, डेब्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड डेब्ट और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट। ठीक, सिक्योर्ड डेब्ट क्या है? ऐसे डेब्ट विच इज सिक्योर, मतलब जिनके अगेंस्ट में हमने कोई ना कोई एसेट गिरवी रखा है या कोई ना कोई एसेट हमने एज ए सिक्योरिटी रखा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी से 20,000 रुपया उधार लेते हैं और बदले में अपने बाइक की चाबी उसके पास रख देते हैं, तो ये क्या है? यानी ये जो 20,000 रुपया मिस्टर ए ने लिया मिस्टर बी से, उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी बाइक को एज ए सिक्योरिटी बी के पास रख दिया, दिस इज कॉल्ड सिक्योर्ड डेब्ट। और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट, यानी जिसके अगेंस्ट में, जिस लोन के अगेंस्ट में, जिस मनी के अगेंस्ट में आप कोई भी एसेट एज ए चार्ज नहीं रखते हो। ये दो पर्सन के ट्रस्ट के बीच की बात होती है, दो पर्सन के फेथ के बीच की बात होती है, उसे हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डेब्ट। अब एक्शनेबल क्लेम हमेशा अनसिक्योर्ड डेब्ट के केसेस में ही अराइज होगा। पहली बात तो ये कि जो एक्शनेबल क्लेम है इट ऑलवेज अराइज व्हेन द डेब्ट इज अनसिक्योर्ड। ठीक है, ओके। अब अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक होता है मूवेबल और दूसरा होता है इमूवेबल। ठीक है, और हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके ज्यादातर जो प्रोविजंस हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, हालांकि इसके कुछ प्रोविजंस मूवेबल प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड है। और सेक्शन 3 में जब हम एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करते हैं तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के कंडीशन में अराइज होता है। यानी एक्शनेबल क्लेम बेसिकली किस पे बेस्ड होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, जैसे अब देखो जो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसके दो कैटेगरीज होते हैं, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक होता है चोजन इन पोजिशन और दूसरा होता है चोजन इन एक्शन। ठीक है, चोजन इन पोजिशन मतलब ऐसा मूवेबल प्रॉपर्टी जिसका पोजीशन आपके पास हो, जैसे जैसे ये शर्ट, जैसे ये टेबल, जैसे ये मोबाइल और जैसे ये व्हाइट बोर्ड, ये सभी क्या हैं? ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं और साथ में क्या हैं? चोजन इन पोजीशन है, इनका पोजीशन ओनर के पास होता है। और दूसरे होते हैं चोजन इन एक्शन, ठीक है, जो कि ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं, यानी जिनका पोजीशन आपके पास नहीं होता है उसे हम कहते हैं चोजन इन एक्शन। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है लाइक क्लेम फॉर मनी, डेब्ट। ठीक है, तो जो एक्शनेबल क्लेम होगा
अनसिक्योर्ड डेट के केसेस में होगा और मूवेबल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है. और मूवेबल में भी क्या चोजन इन एक्शन. अब देखो, अब जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 50,000 रुपीज एज ए डेप्ट एज ए लोन लिया. ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के पास क्या था, इनके बीच एक अच्छा रिलेशनशिप था. तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए पे ट्रस्ट करके उन्हें 50,000 रुपया दे दिया. ठीक है, इस डेट को तुम मुझे पैसा दे देना, इसके बदले में मैं किसी भी एसेट को एज ए सिक्योरिटी नहीं ले रहा हूं. ठीक है, तो ये ए और बी के बीच की बात थी. अब जब डेट आता है पेमेंट का, तो क्योंकि मिस्टर बी ने मिस्टर ए के ऊपर ट्रस्ट करके दिया था पैसा, लेकिन अब मिस्टर ए इज नॉट मेकिंग द पेमेंट. ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे है चोजन इन एक्शन. ठीक है, तो क्लेम फॉर मनी हो गया और डेब्ट हो गया, या क्लेम ऑफ अमाउंट फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी चोजन इन एक्शन में आते हैं. अब क्योंकि यहां पे क्या था, एक तो अनसिक्योर्ड डेट है और दूसरा क्या है, चोजन इन पोजीशन. क्लियर. अब एक्शनेबल क्लेम अराइज कब होगा, एक्शनेबल क्लेम अराइज तब होता है व्हेन द राइट ऑफ वन पार्टी इज इन्फ्रिंज्ड बाय अदर पार्टीज. यानी यहां पे आप देखो, मिस्टर ए के पास क्या था, राइट था कि वो मिस्टर बी के पास ये राइट था कि वो क्या करेंगे, मिस्टर ए से 50,000 रुपीज इस पर्टिकुलर डेट पे लेंगे, लेकिन मिस्टर ए इज नॉट मेकिंग द पेमेंट. तो कहीं ना कहीं मिस्टर बी के राइट को इन्फ्रिंज कर रहे हैं मिस्टर ए. तो एक्शनेबल क्लेम अराइजेस व्हेन द राइट ऑफ वन पार्टी गेट इन्फ्रिंज्ड बाय अनदर पार्टी. क्लियर. ओके, अब देखो जो एक्शनेबल क्लेम होता है, क्योंकि ये मूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में है और उसमें भी चोजन इन एक्शन है, तो जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में बात करते हैं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के प्रोविजंस को होल्ड करता है, लेकिन जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजन से बाहर है. ठीक है, इसमें एक केस है आपका स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मिनी समसुद्दीन एंड अदर्स. ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन से बाहर है, यानी उनके ऊपर एक्शनेबल क्लेम के ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन नहीं अप्लाई होंगे. किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ठीक है, अब देखो, यानी हमने देखा कि जब हम एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करेंगे तो इसके तीन एलिमेंट होने चाहिए. कौन कौन से, पहला आप देखो, थ्री एलिमेंट्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम. और यदि किसी क्लेम में ये तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो वो एक्शनेबल क्लेम में कन्वर्ट हो जाएंगे. पहला है मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका चोजन इन एक्शन. और तीसरा क्या है, तीसरा है पोजेशन नॉट विथ क्लेमेंट. क्योंकि मिस्टर बी क्लेम किसलिए कर रहा है, क्लेम इसलिए तो कर रहा है क्योंकि 50,000 रुपया जो उसे उस पर्टिकुलर डेट पे मिलना था उसे नहीं मिल पा रहा है. तो यानी 50,000 रुपीस का पोजीशन मिस्टर बी के पास उस डेट पे होना चाहिए था, लेकिन मिस्टर ए इज नॉट मेकिंग द पेमेंट. तो यहां पे क्या है, पोजीशन ऑफ 50,000 रुपीस नॉट विद क्लेमेंट. ठीक है, तो यानी किसी भी क्लेम को एक्शनेबल क्लेम बनाने के लिए वी मस्ट हैव थ्री एलिमेंट्स, पहला मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा चोजन इन एक्शन, और तीसरा पोजीशन नॉट विथ क्लेमेंट. तो ये है आपका एक्शनेबल क्लेम. अब हम देखते हैं कि हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 3 किन वर्ड्स में एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करता है. ठीक है, चलिए
एक बात तो क्लियर है, एक्शनेबल क्लेम अराइज होगा जब आपका डेब्ट अनसिक्योर्ड होगा और मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, उसमें भी चोजन इन एक्शन होगा और पोजेशन नॉट विथ क्लेमेंट। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन करता है। वैसे तो एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है जिसमें एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया, लेकिन हम केवल जो मेन वर्ड्स हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसके मीनिंग को समझना है, तो हम इसे सिंपल वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। देखो, आप लिखोगे अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट। देखो यहां पे बता दिया है पहले ही, अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट है। ठीक है, फिर कह रहा है विद, चाहे वो एग्जिस्टेंट हो, ठीक है, अक्रूइंग हो, कंडीशनल हो या कंटिंजेंट, यानी इसमें कैटेगरीज बता दिया है। अनसिक्योर्ड डेब्ट उसमें भी चारों में से कोई भी हो सकता है, एग्जिस्टेंट, अक्रूइंग, कंडीशनल और कंटिंजेंट। एग्जिस्टेंट का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंट का मतलब है अरियर्स ऑफ पेमेंट, यानी पहले से कोई चीज चला रहा था और उसका जो पेमेंट था वो ड्यू था। ठीक है, तो आप कह सकते हो पास्ट अरियर्स, वो एग्जिस्टेंट होता है। दूसरा क्या है आपका? अक्रूइंग, जिसका पेमेंट फ्यूचर में होना है, कोई भी ऐसा डेट जिसका पेमेंट फ्यूचर में होना है उसे हम कहते हैं अक्रूइंग। ठीक है, तीसरा क्या है? कंडीशनल, कोई भी पेमेंट विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, जो किसी सर्टेन कंडीशन पे बेस्ड है, वो सभी जो पेमेंट है वो भी इसमें आएंगे, वो सभी जो डेब्ट है वो भी इसमें आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मिस्टर एक्स ने प्रॉमिस किया था मिस्टर वाई को, ठीक है, कि अगर मिस्टर जी उसके काम को करते हैं तो वो मिस्टर वॉय को पेमेंट करेंगे 5000 रुपीज का। यानी मिस्टर एक्स ने ये कंडीशन डाला था कि वो मिस्टर वॉय को तभी पेमेंट करेंगे जब मिस्टर जी उसके इस पर्टिकुलर वर्क को करेंगे। तो यहां पे जो पेमेंट है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे बेस्ड है, तो अगर कोई कंडीशनल पेमेंट है वो भी किसमें आएगा? वो भी एक्शनेबल क्लेम में आएगा। और लास्ट क्या है? कंटिंजेंट, यानी पेमेंट ऑफ मनी विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट्स, जो किसी इवेंट्स पे बेस्ड है। जैसे मान लो मिस्टर ए ने कहा कि वो मिस्टर बी को 500 रुपीज देगा यदि कल यानी टुमारो 12 बजे, ठीक है, रेन हो जाता है यानी बारिश होता है। तो यानी अब जो कंटिंजेंट है वो किसी इवेंट पे बेस्ड हो सकता है, ये दो पार्टीज के बीच का बात है। ठीक है, तो इसमें एक तो एग्जिस्टेंट, दूसरा अक्रूइंग, कंडीशनल, कंटिंजेंट, ये सभी कैटेगरीज आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट विदर एग्जिस्टेंट, अक्रूइंग मतलब फ्यूचर पेमेंट, कंडीशनल और कंटिंजेंट। और फिर क्या करें? फिर आप लिखोगे, यानी पहला ये लाइन हो गया, दूसरा क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट, हम किसके लिए क्लेम कर रहे हैं? बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट, क्योंकि उसका पोजिशन आपके पास नहीं है इसलिए तो यू आर गोइंग टू टेक लीगल एक्शन। तो इस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट अराइज हो सकता था, क्योंकि उसका पोजीशन आपके पास नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिशियल इंटरेस्ट पाने के लिए यू आर मेकिंग द क्लेम। ठीक है, तो क्या है दूसरा? क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट। लास्ट क्या है? नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लेमेंट, जो क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है। ठीक है, अब देखो जब हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो यहां दोनों तरह के पोजीशन के बारे में बात होगा, एक एक्चुअल पोजीशन और दूसरा कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव पोजीशन? का मतलब है इज कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मींस अथॉरिटी ओवर सम प्रॉपर्टी और अथॉरिटी ओवर सम ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजीशन। यानी आपके पास किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का कुछ समय के लिए अथॉरिटी दिया गया है, कुछ समय के लिए आपके पास राइट है। एग्जाम्पल के लिए ड्राइवर ऑफ कार, ठीक है, ये कार को मान लो चलाता है तो कुछ समय तक के लिए ही इसके पास क्या है? पोजीशन है, और उसके बाद वो जो चाबी है कार का वो अपने मालिक को दे देता है। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन, यानी एक्चुअली में यू आर नॉट द ओनर, यू हैविंग सम प्रॉपर्टी, यू हैविंग अथॉरिटी टू यूज दैट प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। दूसरा होता है एक्चुअल पोजीशन, जिसपे एक्चुअली में यू आर द ओनर, यू आर हैविंग फिजिकल पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड यू आर हैविंग कंट्रोल
ओवर दैट प्रॉपर्टी। अल्टीमेटली ये कार किसका है? ओनर का है। तो एक्चुअल पोजीशन किसके पास है? ओनर के पास। तो जब हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल दोनों तरह के पोजीशन आएंगे। तो ये है एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट वेदर एग्जिस्टेंट अक्रूइंग कंडीशनल कंटिंजेंट, दूसरा क्लेम टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट, तीसरा नॉट इन पोजीशन ऑफ क्लाइंट। आई होप कि एक्शनेबल क्लेम क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा और ये जो डेफिनेशन है आपको याद हो गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।